जेलों को भी इन्होंने कम बजट दिया। अरे जेल का बजट तो बढ़ा दीजिए, 300 करोड़ रुपए जेल का बजट, जेल का बजट बढ़ा दीजिए। अरे अभी हमको जेल में भेजा है, कल तुमको जेल में आना है, तुम सबको जेल में आना है। जेल का बजट बढ़ा दो, जेलों को ठीक कर दो, अगला नंबर तुम्हारा है। सदन के नेता जी से मैं अनुरोध करूंगा कि ये बहुत मार्मिक अपील है जेल का बजट बढ़ाने के लिए, और इस पर आप गौर फरमाइए। मान्यवर, मैं आपसे आपके माध्यम से इस सरकार से कहना चाहता हूं, इनका बजट पढ़ रहा था, इनका बजट पढ़ रहा था मान्यवर, जेलों को भी इन्होंने कम बजट दिया। अरे जेल का बजट तो बढ़ा दीजिए, 300 करोड़ रुपए जेल का बजट, जेल का बजट बढ़ा दीजिए। अरे अभी हमको जेल में भेजा है, कल तुमको जेल में आना है, तुम सबको जेल में आना है। जेल का बजट बढ़ा दो, जेलों को ठीक कर दो, अगला नंबर तुम्हारा है, तुम्हें जेल में आना है। मिस्टर संजय जी, कम जेलों को तो ठीक कर दो, अगला नंबर तुम्हारा। मैं जेल के बजट पे बोल रहा हूँ मान्यवर, मैं जेल के बजट पे बोल रहा हूँ। 300 करोड़ दिया, इनको जेल में आना है। वन सेकंड, सदन के नेता जी से मैं अनुरोध करूंगा कि ये बहुत मार्मिक अपील है जेल का बजट बढ़ाने के लिए, और इस पर आप गौर फरमाइए। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, ठीक है ना, धन्यवाद सर। एक पृष्ठभूमि में है मान्यवर, मान्यवर इसका ध्यान रखा जाएगा। में इन्होंने न्यायपालिकाओं के लिए जो बजट रखा वो नाकाफी है। 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है इस देश के अंदर, और 6 लाख लोगों को पूरे देश में जेलों में रखा गया है, जिसमें करीब करीब 76% अंडर ट्रायल हैं। इसका मतलब आपका मकसद न्याय दिलाना नहीं है, आपका मकसद किसी मामले की सच्चाई तक पहुंचना नहीं है, आपका मकसद है पकड़ पकड़ के एक एक व्यक्ति को जेल में डालना। आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री को, जिनकी शुगर 36 बार 50 से नीचे जा चुकी है, आपने दिल्ली के मुख्यमंत्री को पकड़ के जेल में डाल दिया। नहीं मान्यवर, अब इनको बार बार मौका मत दीजिए, मुझे अपनी बात पूरी करने दीजिए। आई एम नॉट यील्डिंग सर, आई एम नॉट, आपने दो बार काम बना लिया इन्होंने सर, दिल्ली के मुख्यमंत्री को सर इन्होंने पकड़ के जेल में डाल के रखा, दिल्ली के शिक्षा मंत्री को इन्होंने 2 साल से जेल में रखा, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री को इन्होंने 2 साल से जेल में रखा। आप एक एक विपक्ष के नेता को पकड़ पकड़ के जेल में डालते हैं। हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री को जेल में आपने रखा, संजय रावत को जेल में रखा, अनिल देशमुख को जेल में रखा, सबको पकड़ पकड़ के आप जेल में रखते हैं। बंगाल के 3 मंत्रियों को आपने पकड़ के जेल में रखा। आपका मकसद ट्रायल कराना नहीं, न्याय दिलाना नहीं, आपका मकसद हम लोगों को पकड़ के जेल में रखना है। जितना जेल में डालोगे, जितना जेल में डालोगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं, जितना जेल में डालोगे उतना गर्त में जाओगे। जिसने भी ये राजनीति की है उसका समापन हो गया है। अभी 240 पे पहुंचे हो, कल 24 पे पहुंचोगे, इसके बाद 2 पे भी आओगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।